फिर वही होता है कि क्योंकि आप जो हम लोग अक्सर ये बात करते हैं कि वो मुझे नजर आया, हमने वो बंदिश देखी, वो देखी का हम लफ्ज आना की तो कान की चीज़ है, लेकिन हम इसीलिए शायद इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो हमारी देखी भाली होती है, वो हमारे हाथ से जुबान से निकली होती है। तो यही नए बच्चों का जो है ना प्रॉब्लम है कि वो कहते हैं कि ये आपने एक फ्रेज़ यहाँ पे इस्तेमाल किया और इसमें इस सुर से आपको वो फ्रेज़ नज़र आ गया क्योंकि आपने वो किया हुआ था। तो यहाँ पे वो जो एक डिस्कवर, एक मेलोडी डिस्कवर करने वाला जो एक प्रोसेस है, बच्चों को ये लगता है कि हम वो मिस कर जाते हैं, स्किप कर जाते हैं क्योंकि हमने चीज़ें याद की हुई हैं और जो हमें याद है हम उसी को इस्तेमाल में लाते हैं बार बार। बिल्कुल, मेरे बेटा ही बैठा है यहाँ, इन लोगों के पास वक्त नहीं है, इनके पास इतना टाइम ही नहीं है, इनके पास इतना टाइम नहीं कि ये घर हमारे साथ बैठ के डिनर करें। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है कि मैं इनको फ़ोन करता हूँ, हाँ किधर हो यार, खाना खाना था, आप खाना खा लें, हम तो वहाँ आए हुए खाना खा लेंगे, हम उनके पास वक्त ही नहीं, खाना खाने का वक्त ही नहीं हमारे साथ। तो ये फुल टाइम जॉब है और ये कहती है कि मुझे टाइम नहीं, मुझसे मोहब्बत करें। मैं अच्छा अब्बा के साथ हम उनको गाड़ी नहीं चलाने देते, वो आगे सामने गाड़ी बहुत अच्छी चला लेते थे, जब रस करते थे उनकी गाड़ी तोड़ देते थे, पीछे प्रोपेलर शायद तोड़ रहे हैं मतलब नहीं। तो हम दोनों बहुत हमने गाड़ी चलाई उनके साथ और हमें तालीम जो ज़्यादा हमारी तालीम हुई मौसीकी की वो गाड़ी में ही हुई है, वो चलाने ड्राइवर से चलते हैं, अहमदपुर शरकिया जा रहे हैं, इस्लामाबाद से बहुत लंबे लंबे सफ़रों पर निकले हुए, तो वो ऐसे करके तानपुरे होते थे और रिकॉर्ड किए हुए, वो कैसेट का दौर होता था, वो कैसेट लग जाए तानपुरे की, तो उसमें उन्होंने कुछ ना कुछ तो गाते रहना, तो गाते कह रहे यार यार कर लिया एक लोग हमीर की स्थाई ऐसे ड्राइव कर रहे थे, कह रहे हैं कि ये याद कर लो, तानपुरा गाड़ी में लगा हुआ है। सच्ची बात, तो किस तरह से क्या एक राग शुरू करवा देना कि ये देखो ये तुम ये भोपाली है, इसको तुम अगर करोगे ये पहाड़ी बन जाएगी, यही जो है वो बन जाएगा।
देशकर बन जाएगा, इधर लिखा कोमल कर दे सर, उसको कोमल करने से ये जैद बन जाएगा। अच्छा, एक टाइम में 5-6 चीजें बतानी और फिर वो उनको फिर याद आना कभी हफ्ते 10 दिन बाद ऐसी गड़बड़ और दिन में 10 ऐसी वो दिन याद हो ऐसी वो स्थाई जैद दी स्थाई तन सुनाई जी वो थोड़ी वो यार इतने बुरी गल नहीं बड़ी माड़ी। अच्छा, बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे उस्ताद, बड़े अच्छे थे, वालिद तो कमाल ही थे और हमारे दोस्त भी थे बड़े अच्छे और एक लाजवाब इंसान थे, बहुत मजेदार इंसान थे। तो मिस तो हर वक्त कोई ऐसा लम्हा नहीं कि उनको हम मिस ना करें। काफ़ी सारे लोग हमें कहते हैं जी कि आप अपने नाम के साथ अब तो ना कहें, अब तो आप माशाल्लाह लोग जानते हैं कि अब तो सिर्फ कहा करें जी अब आते हैं बाबू न्या जी, जावेद न्या जी, अब तो फैर न्या जी के साहबजादे बाबू न्या जी। मैंने कहा आप कराची में हम इस तरह मशहूर हम सारे वहाँ बैठे शफकत भाई बैठे हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट कराची के। तो खातून कहने लगी कि अब मैंने इसके बाद आपने आना है, तो मैंने अब कहना है कि बस जावेद न्या जी बाबू न्या जी है, बस मैंने अपनी कहा तो फैर न्या जी के साथ। मैंने कहा नहीं, कह दीजिएगा वो ज़रूरी है। तो उसने जाके कहा कि तशरीफ लाते हैं जावेद न्याजी बाब न्याजी, चम 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 बज रहा। हम गए तो उसे फिर देखा पीछे मुड़ के, फिर उसने कहा, फिर उसने हम नहीं गए तो उसने कहा तशरीफ लाते हैं तो फैल न्याजी साहब के साहब साथ जावेद न्याजी बाब। अच्छा, हम चले गए, हम जाके हमने परफॉर्म किया, वापस आ गए, आके जी बड़ी बदमाशी की आपने, मैं इतनी परेशान हो गई, आए क्यों नहीं, क्या है उस मतलब जरूरी। मैंने कहा नहीं, उस वो सिर्फ ब्लेसिंग के लिए है, हमारे नाम से पहले उनका नाम बोलता है, हम फील करते हैं कि ब्लेसिंग हो जाती है, हमारे साथ है वो, हमारे साथ है। बड़ों को साथ रखना चाहिए जिनकी वजह से हम आए, ये सब कुछ हमें मिला। तो तो अली आपकी बात तो वही, हम खड़े हैं, हम फिर उधर आ रहे हैं आपको देखी। तो म्यूजिक सीखना जो है ना वो जरूरी सीखना है, जितनी देर आपको चले कि रात की बात करते हैं, एक रात के पूरे मैनरिज्म नहीं आएंगे ना, क्यों जी के ये उतनी देर बात नहीं बनेगी। हमारे यहाँ हमारे बच्चे हैं सारे, ये कहते हैं जल्दी जल्दी सन 200 बज की कहना की कर दिल से, टाइम थोड़ा है गए और फिर और काम भी करने, फ़ोन भी सुनना है, वहाँ भी जानना है, ये भी ये हो रहा है। हम बड़े अच्छे बच्चे थे, अच्छा दौर था, हमने हमें कह दिया बैठ जाओ तो हम बैठे होंगे बाहर, बड़े बड़े उस वक्त थोड़े में साड़ी बड़ी दोस्तियाँ सी, तो दिमाग में क्या होता था कि यार हो जाना भी कैसे, लेकिन रुका हुआ है तो रुकते थे। वो हमारे लिए अल्लाह ने इतना अच्छा किया हुआ था कि वो टाइम वाली बड़ा अच्छा था, वो कहते थे बैठ जाओ तो हम बैठ जाते थे, बैठ नहीं रहे बच्चे, बैठ नहीं रहे, सबकी बात कर रहा हूँ।